करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, आसाम सीएम शर्म करो, आसाम सीएम शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, आसाम पुलिस अधिकारी के लिए धिक्कारा, आसाम पुलिस अधिकारी के लिए धिक्कारा, धिक्कारा, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो मुल्क भर में एक एहतजाज हम कर रहे हैं, असम में जो फार्मर्स के ऊपर वहाँ की पुलिस जो बर्बरियत करते हुए दो मासूम जानों को ली है, जो मासूम जानों के ऊपर जो बर्बरियत उन्होंने किया है इसको कंडम करते हुए आज बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज हम कर रहे हैं। हमारा मुतालबा यही है जो वहाँ के फार्मर्स अपने घर के हुकूक के लिए, अपने ज़मीन के हुकूक के लिए कई सालों से बहुत ही पुरअमन तरीके से एहतजाज करते आ रहे थे, इनके ऊपर पुलिस बीजेपी असम बीजेपी हुकूमत के इशारों से पुलिस जो बर्बरियत की है इसको हम कंडेम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के मौजूदगी में इसकी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना है और जो भी इसमें गलत कसूर किए हैं उनको कानून के दायरे में पनिशमेंट देना है और वहाँ के फार्मर्स को उनके हुकूक देना है और वहाँ के फार्मर्स का जो जो जान गए हैं उनके लिए सही मुआवजा देना है, ये हमारा मुतालबा है। और ये जो पुलिस बर्बरियत के दौरान ही और एक अफसोसनाक एक इंसिडेंट सामने आया है, एक फोटो जर्नलिस्ट के नाम में एक बनिया नाम का फोटो जर्नलिस्ट, असल में ये आरएसएस बजरंग दल का कार्यकर्ता है और इन्होंने वहाँ के फार्मर्स के छाती के ऊपर जो अपने कैमरा को लेते हुए जो बर्बरियत किया है ये हमारे नागरिक समाज इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला इंसिडेंट है। ये फोटो जर्नलिस्ट के ऊपर भी सही एक्शन होना है और ऐसे बहुत सारे गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। जैसे ही सुबह होती है यहाँ के डेमोक्रेसी को गिराने की, यहाँ के हमारे गंगा जमुना तहजीब को गिराने की जो साजिशें कर रहे हैं इनके ऊपर भी कड़ी नज़र रखना है, इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होना है, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मुतालबा है। नाम